नमस्कार, मैं संतोष चौहान। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंकी रेसिपी। ये हम बनाएंगे सूजी से, ना आटा ना मैदा। तो देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है, और चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 कप सूजी ली है। सूजी बारीक वाली लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नमक डाल रही हूँ, स्वाद के अनुसार डालिएगा। और 4 बड़े चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें दही, ताकि जो हमारी फ्रेंकी की रोटी है वो बहुत ही सॉफ्ट बने। आप दही को सूजी में मिला देंगे। अगर मोटी वाली सूजी हो तो एक बार आप मिक्सी में उसको पीस सकते हैं। और ये मैंने लिया है थोड़ा गुनगुना पानी। तो पानी से पहले हम केवल सूजी को बाइंड करके रखेंगे। तो सूजी हमने बाइंड कर दी है, अभी हमने इसको मसला नहीं है। अब इसको ढक करके रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। अब मैंने एक बोल लिया है, उसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सिरका, वाइट वाला सिरका है, विनेगर। और इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और डालेंगे इसमें हरी मिर्च। तो 6 हरी मिर्च मैंने बारीक काट कर डाली हैं। तो इसको भी हम एक साइड रख देंगे। अब हम बनाएंगे मसाला। तो 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ ऑयल लिया है, ऑयल की जगह आप घी भी ले सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई अदरक और हरी मिर्च। लहसुन मैंने नहीं डाला है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और 2 बड़े टमाटर मैंने काट कर लिए हैं। टमाटर की जगह आप टोमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और 2 छोटे चम्मच मैंने डाला है सब्जी मसाला। सब्जी मसाला जो है उसको स्किप मत करना, जरूर डालिएगा। और यहाँ मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलू, ये मीडियम साइज के हैं। इनको अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया है। अब 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ टोमेटो केचप। इसको अपने स्वाद के अनुसार आप बढ़ा भी सकते हैं। तो लीजिए, हमारा फिलिंग का मसाला बनकर तैयार है, झटपट बहुत ही आसानी से। अब जो हमारी सूजी है वो फूल चुकी है, 15 मिनट हो चुके हैं, और इसको अब हम मसल लेंगे। बिल्कुल रोटी की तरह डो बनेगा। और इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच भरकर घी। जब हम डो बनाते हैं और बाद में घी डालते हैं, घी को बाद में यूज़ करते हैं, तो जो हमारा डो है वो बहुत ही सॉफ्ट रोटी के लिए तैयार हो जाता है। और अगर आप शुरू में डालते हैं तो वो उससे रोटी खस्ता बनती है। तो बाद में अगर ऐड करेंगे तो उससे जो रोटी होगी आपकी वो सॉफ्ट बनेगी, क्योंकि हमने फ्रेंकी सॉफ्ट बनानी है। अब हम इसको बेल लेंगे। तो सूजी की फ्रेंकी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, इसीलिए मैं सूजी से बना रही हूँ। ना हमने मैदा लिया है और ना ही आटा। तो थोड़ा सा आटा लगाकर इसको हम बेल लेंगे, हल्का सा सूखा आटा। और तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसको अब हम सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा इसको नहीं सेकना है। एक साइड हल्का सा सिक जाए तो पलट कर आप घी लगा देना हल्का हल्का। इसको रोटी की तरह नहीं फुलाना है, दोनों साइड बस हल्का हल्का घी लगाएंगे। और फ्लेम को घी लगाते समय कर देंगे लो, नहीं तो घी हमारा जलने लग जाएगा मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए, एक साइड से हल्का सिक जाए और दूसरी साइड से बहुत ही कम सेकना है। अब इसी तरह से हम सेक सेक कर अपनी सारी रोटियां रख लेंगे। ये देखिए, रोटियां मैंने सेक ली हैं फ्रेंकी के लिए। तो 4-5 लोगों के लिए इतनी सूजी में काफ़ी फ्रेंकी हमारी बन जाएंगी। मैंने अभी अपना आधा आटा रखा हुआ है। अब मैंने इसमें डाला है बटर। मक्खन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो रोटियों को जो कच्ची साइड थी, ज़्यादा कच्ची थी, उधर से हम इसको और सेक लेंगे मक्खन लगाकर। एक साइड से हमने ज़्यादा सेकी थी, एक से कम,
तो कम साइड जो हमने सेकी है उसको मक्खन लगाकर अच्छी तरह से सेक लेंगे, बस इस तरह से। तो रोटी हमारी सिक गई है और जहां पर हमने मक्खन लगाया था वहां पर हम रखेंगे फिलिंग, क्योंकि हमने मक्खन एक ही साइड लगाया है तो जिस साइड मक्खन लगाया उस साइड फिलिंग रख देंगे। और ऊपर से डालेंगे ये सिरका और हरी मिर्च का जो हमने बनाया था, थोड़ा सा सिरका भी डाल देंगे और हरी मिर्च, और डालेंगे कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए प्याज, हरा धनिया, और इसको हम फोल्ड कर देंगे। तो बस इस तरह से सभी अपने फ्रेंकी बना लेंगे। अब दूसरी रोटी पर मैं लगा रही हूँ थोड़ी सी मेयोनीज, ये ऑप्शनल है, इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। और ऊपर से वही सिरके वाली हरी मिर्च और कटे हुए प्याज और हरा धनिया। बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है आपको, बहुत अच्छा लगेगा खाने में इसको। सूजी की जो फ्रेंकी है वो काफ़ी टेस्टी लगती है। बस इसको हम बटर पेपर पर या फॉइल पेपर पर लपेट देंगे तो फ्रेंकी हमारी बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है अलग से मसाले बनाना, तो मैंने इजी तरीका बताया है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा और बनाकर देखिएगा, फिर बताइएगा टेस्ट कैसा लगा।